डॉट देख रहे हैं आप, ये मैंने वो डॉट्स मुझे दिखे। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आज। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो हम आज अपने एप्पल फ्रूट में देखेंगे कोई डिजीज़ मत है, ऐसे ही सुपरफिशियल हम देखेंगे। हम कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाके ऊपर ऊपर से ही देखेंगे क्या कोई डिजीज़ है। अगर हमें पता चली कि कौन सी डिजीज़ है, अगर हमें पता होगी उसका नाम तो बताएंगे, अगर नहीं तो हम किसी एक्सपर्ट से जाके बताएंगे और फिर आपको भी हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम इस वाले ट्री से स्टार्ट करते हैं, ये है डिलीशियस का। तो ये चलिए हम देखते हैं, ऐसे हम देखेंगे क्या कुछ हमें दिखता है। गाइज, इस ट्री में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा। इसके जो सेब है वो साफ़ ही है, लेकिन थोड़े से मैंने इस वाले सेब में कुछ ये देखे, कुछ डॉट्स देखे, ये स्केब है मुझे लगता है। और यहाँ एक छोटा एप्पल है जिसमें मैंने एक ये डॉट जैसा देखा कुछ। तो चलिए अब दूसरे पेड़ की तरफ चलते। यहाँ देखिए कुछ और डॉट्स मुझे दिखे। जब ये बड़ा सेब हो जाता है फिर ये अच्छी तरीके से हमें दिखता है। अभी ये ऐसा ही लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, चलो छोड़ दो, लेकिन जब सेब बड़ा हो जाता है तो तब हमें इसका इफेक्ट दिखता है। तो इसलिए इसमें हम जब ये देखते हैं उसके बाद हम दवाई करते हैं। ये देखिए यहाँ भी कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये हम बताएंगे अपने घर वालों को भी, और किसी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, और इंटरनेट पे भी हम देखेंगे इसके बारे में। हम तो ऐसे देखते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप से हम देखते। अभी मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वाले जो पेड़ में ये कुछ ज़्यादा ही मिला ये डॉट्स। ये देखिए इस वाले सेब में भी है थोड़े थोड़े। गाइस, ये जो ये डॉट देख रहे हैं आप, ये मैंने 5-6 से मैं अभी तक देखा। मुझे लग रहा है कभी यहाँ थोड़ा सा हेल स्टॉर्म हुआ है जो हमें पता नहीं है, कि उसी का दाग हो सकता है, मतलब उसी का डॉट हो सकता है, उसी का इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ मैं भी, यहाँ मैंने इस वाले एप्पल पे भी ये देखा। गाइस, जो आज के मतलब नए तरीके के एप्पल ट्री आते हैं वो छोटे होते हैं, जिनको इटली, वो डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, इटली से आते हैं। उनमें ऊपर से नेट लग जाता है जिससे ये बच जाता है, हेल स्टॉर्म से बच जाता है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कितने ह्यूज है, कितने बड़े हैं ये वाले ट्रीज़, इनमें नेट वेट कुछ नहीं लग सकता। तो चलिए अब इस वाले ट्री को हम देखते हैं। ये वाला तो मुझे बढ़िया दिख रहा है।
गाइस यार बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहे हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ मेरे नेबर में कुछ काम चल रहा है, ड्रिलिंग का या कुछ चल रहा है। हम ऊपर भी चढ़ेंगे एक दो ट्रीज पे, देखिए इस पे कुछ स्क्रैच लग रहा है, ये भी हेयर स्टॉर्म की वजह से मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ भी। गाइज मैंने आयरन लैडर लाई, अब यहाँ इसी से ऊपर चढ़ के देखेंगे। देखिए यहाँ पर चेरीज भी है, इसे चेरीज भी खाते। ये देखिए मैं ऊपर आया हूँ, देखिए गर्मी से कुछ रेड हो गया है ये, मुझे लग रहा है इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये देखिए डॉट्स यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, इसका कुछ इलाज देखना पड़ेगा। और वही थोड़े से ये देखते हैं मार्कस कुछ है, ये भी हम देखेंगे ये क्या है। देखिए इस वाले पे भी वो ब्लैक मार्क्स है। गाइस इस वाले ट्री में मुझे दिखी प्रॉब्लम यहाँ लीव्स में, बस इसी वाले ट्री में मैंने देखी। सेब तो इसके फिर भी ठीक ही है, किसी में हो जाता है किसी ट्री में। तो ओवरऑल जो हमारा ऑर्चर्ड है वो अच्छा ही है, कुछ सीरियस इशू नहीं है, अच्छे सेब भी है। ज़्यादातर 90% इस साल अच्छा फ्रूट ही है। तो वीडियो में इस वीडियो का नाम ही ये था, इसलिए मैंने वो सेब दिखाई जिनमें कुछ डिजीज थी। तो चलिए चलिए इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। मैंने और भी कुछ ट्रीज़ में ऊपर चढ़ के देखा था, लेकिन वो मैं वीडियो में नहीं देख सका दिखा सका, क्योंकि वीडियो हम सारा नहीं ला सकते। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।